जुड़ी हुई एक कंपनी की बात करते हैं, और एक तरफ ऑफ कोर्स भारत में इलॉन मस्क और उनकी टेस्ला आएगी, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय कंपनियों को दुनिया की सबसे बड़ी ईवी प्लेयर से ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। रामकृष्ण फोर्जिंग्स वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कल ही ऐलान हुआ कि दरअसल इनके हाथ एक बहुत तगड़ा ऑर्डर एक दुनिया की बड़ी ईवी पैसेंजर व्हीकल के लिए आया है। अब दुनिया की सबसे बड़ी ईवी पैसेंजर व्हीकल तो टेस्ला ही है। हमारे साथ कंपनी के ईडी और सीएफओ ललित खेतान जुड़ गए हैं। ललित जी, आप लोगों ने गुड आफ्टरनून, प्रेस रिलीज में कंपनी का नाम नहीं लिखा, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये ऑर्डर जो आप लोगों ने बैग किया है वो टेस्ला के जरिए ही आपके हाथ आया है। धन्यवाद मैम। मैं ये बात मैं मतलब कंपनी का नाम हम नहीं ले सकते हैं कि हम प्रोटोकॉल के तहत बंधे हुए हैं, तो हम इसी को मेंटेन करते हैं कि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ईवी कंपनी है जिसका ये ऑर्डर है। कुछ डिटेल दे पाएंगे, कब तक काम शुरू होगा, कितना बड़ा साइज है और आपके पास क्या पर्याप्त कैपेसिटी है इस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए? तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग अप्रूवल है मैडम, और ये है कि एक जनरल ऑर्डर टाइप का ऑर्डर है जिसमें कि हम पहले सैंपल सप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद बल्क की सप्लाई होगी जो कि नॉर्मल प्रोसेस होता है फोर्जिंग सप्लाई करने का हमारी इंडस्ट्री में, और ये फोर्जिंग प्रोडक्ट ही है और धीरे धीरे स्केल अप होगा एंड उसके बाद ये साइज का नंबर उसके बाद ही आएगा। सो अभी डेफिनेटिव साइज बोलना उचित नहीं है इसके लिए। तो ललित जी, गुड आफ्टरनून। तो ये एक ही ऑर्डर है या अभी टेस्ला के साथ आपकी और भी बातचीत हो रही है? सर देखिए, ईवी स्पेस में हम लोगों से बात कर रहे हैं और वो ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, और आने वाले समय में जो भी हमारी डील होगी किसी भी कंपनी से हम आपको जरूर बताएंगे। और क्या नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में इससे आपको और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, क्योंकि अगर टेस्ला के साथ करार है तो ऑब्वियसली बाकी कंपनियां भी चाहेंगी कि उनके साथ करार हो। नहीं देखिए, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि टेस्ला के साथ करा रहे, मैं ये नहीं बोल सकता। एंड हम नहीं, अभी मैं ईवी आप मत बोलिए, कंपनियों मैं ये आप मत बोलिए, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या बाकी कंपनियां भी आपके साथ अब टच में हैं? नहीं नहीं हम काफी कंपनियों से टच में हैं और कंपनियां हमको भी अप्रोच करती है, बिकॉज देखिए हम फोर्जिंग प्लेयर हैं और हम फोर्जिंग प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे वो ईवी के लिए हो चाहे आईसी के लिए हो, तो हम सभी कंपनियों के लिए बना रहे हैं और उनके लिए जो सुटेबल प्रोडक्ट है वो डेवलप कर रहे हैं, तो हम करते रहेंगे। और सडनली हमारे भी टारगेट है हमारा ईवी पोर्टफोलियो ग्रो करने का, जो कि हम कहते हैं कि अगले 3 से 4 साल में हमारा ईवी पोर्टफोलियो कम से कम 10% होना चाहिए, तो हम उस टारगेट पे काम कर रहे हैं। और इस ईवी पोर्टफोलियो के लिए जो आप बिल्ड करना चाहते हैं एटलीस्ट टू 10%, क्या कुछ नई लाइन कैपेसिटी की ऐड करने की जरूरत होगी खेतान जी, या फिर एग्जिस्टिंग लाइन में ही वो काम हो जाता है? जी, हमारी जो फोर्जिंग की लाइन है मैडम वो फंजिबल है, तो हम उसमें कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। और अगर कैपेसिटी ऐड करने की बात है तो हमारा एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि आप देखो हम टाइम टू टाइम बताते रहते हैं कि हमने कितनी कैपेसिटी अभी इंस्टॉल कर ली और फ्यूचर में क्या है। जैसे आज के दिन रामकृष्णा फोर्जिंग की आप देखोगे, पिछले 10-15 दिन पहले भी हमने कहा था कि हमारी कैपेसिटी फर्दर बढ़ गई, हमने कुछ मशीनें इंस्टॉल की हैं, और आने वाले समय में कोल्ड फोर्जिंग लाइन इंस्टॉल करेंगे और एक 8,000 टन की हॉट फोर्जिंग लाइन इंस्टॉल करेंगे, तो हमारी कैपेसिटी इस साल के अंत तक 3,08,000 टन हो जाएगी, जो कि आज के दिन करीब 2,20,000 से 25,000 टन के बीच में है। तो सर्टेनली ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, और जहां तक ईवी का सवाल है या उसके अदर व्हीकल का सवाल है, वो फोर्जिंग हमारी सेम लाइन में बन सकती है। वो सेम लाइन में कंस्ट्रक्ट हो सकती है, अभी नाम नहीं बताएंगे। और दूसरी बात, 10% अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखें ईवी कंट्रीब्यूट कर सकता है इनके टोटल रेवेन्यू में। अच्छा ललित जी, एक और चीज़, अभी एक और बड़ी घटना हुई, वो था बीजेपी का घोषणा पत्र जिसमें ट्रेन्स पर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर काफ़ी फोकस किया गया, क्योंकि अभी आपने हाल ही में एक 270 करोड़ रुपए का ऑर्डर हासिल किया था लेड बाय BHEL आई थिंक फॉर वंदे भारत ट्रेन सेट के लिए। ये बताइए ये सेगमेंट बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल कितना कंट्रीब्यूट करेगा, स्पेशली रेलवे सेगमेंट, यहाँ से और रेवेन्यू कितने बढ़ने की संभावना है? हाँ तो सर, रेलवे हमारा कम से कम 10% हमारा रेलवे इसी साल में ग्रो करेगा। हम बात करते हैं आरके फोर्ज में कि हम कम से कम 30% नॉन ऑटो में हैं, हाँ तो उसमें रेलवे विल बी अ मेजर कंट्रीब्यूटर, जो कि हमारा हम इसीलिए बोलते हैं 10% मिनिमम रेलवे होगा और आने वाले समय में रेलवे में हमारा प्रेजेंस बढ़ेगा। क्योंकि ये भी आप जो देखा आपने कि हमने जो ऑर्डर अनाउंस किया भेल का, जो कि वंदे भारत के लिए था, वो अगर आपको ध्यान हो तो वंदे भारत का जो उनको ऑर्डर मिला है उसका एक पार्शियल अमाउंट है, तो अगले बाकी वाले अमाउंटों के लिए भी हमारे को ये मिलेगा और हम उसको उसके लिए भी बिड करेंगे और उम्मीद करते हैं कि हमको वो ऑर्डर भी मिले, तो हमारा ये जो नंबर दिख रहा है 270 होगा, ये बहुत लार्जर नंबर हो, बड़ा नंबर हो सकता है। और इसके अलावा भी हम रेलवे पे काफी काम कर रहे हैं, तो जैसे जैसे टेंडर आएंगे, जैसे जैसे हमारे एक्सेप्टेबिलिटी होगी, हम आपको बताते रहेंगे कि रेलवे में हमारा क्या प्रोग्रेस है। और कंपनी काफी फोकस्ड है रेलवे सेगमेंट में, और
रेलवे विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट सेगमेंट फॉर आरकेएफएल इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ आने वाले समय। तो रफली रेवेन्यू कितना रेलवे सेगमेंट आपके लिए जनरेट करेगा, अगर एक हमें ब्रेकअप दे सके कि FY25 के लिए आप क्या ईयरमार्क फिगर टारगेट कर रहे हैं रेलवे से और आपके ऑफ कोर्स ऑटो बिजनेस से? सो रेलवे की अगर स्पेशली बात करें तो करीब 300 करोड़ रुपए का हम ऑर्डर एजुकेशन करने की बात कर रहे हैं रेलवे का FY25 में, जो कि अभी अगर FY24 की बात करें वो करीब 125 करोड़ रुपए का है, तो नियरली वो डबल होने के आसार है। मैं फाइनली आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि जो आपने ये ईवी की बात की वो नॉर्थ अमेरिका मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बात की, क्या यूरोपियन मार्केट में भी आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या वहां पर भी अपॉर्चुनिटी है आपको काम करने की ईवी प्लेयर्स के साथ? देखिए ये है ना, ये हमारे सारे OEMs जो हैं वो सभी लोग ईवी पे काम कर रहे हैं, और हर आदमी जब ईवी में मॉडल लॉन्च करता है तो हम भी कोशिश करते हैं उनका एक शेयर और बिजनेस हमारे को आए। तो अक्रॉस द वर्ल्ड हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ईवी पोर्टफोलियो में हर हमारे OEM के पास साथ, जहां प्रेजेंट हैं जिनका ईवी का कारोबार है वहां पर हम अपना बिजनेस कुछ ना कुछ लेके आए। तो ये हमारे प्रयास है कि हम ओवरऑल जहां भी अपॉर्चुनिटी मिले ईवी पर हम करेंगे।